इस गाड़ी को चार चांद लगाता है वो है इसके DRL, जो सिंपल ये DRL जो है डेल्टा प्लस के ऊपर आपको देखने को मिलता है। अपना साइड मिरर है, जेन्युइन कंपनी के आते हैं, मारुति ओरिजिनल। सेम अपना लॉक करेंगे एज इट इज़, पूरा लॉक हो गया। अनलॉक करेंगे एज इट इज़, पूरा अनलॉक हो गया। अपना 8.5 लाख की गाड़ी को सिर्फ ये टेल लाइट लगा के आप 15-16 लाख में बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्सल ट्रे है जेन्युइन कंपनी का, बूट लाइट है जेन्युइन कंपनी का। डोर पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अपना पूरा इंटीरियर इसके अंदर हुआ है। यहाँ पे हैंडल लीवर है जेन्युइन कंपनी का, वो चेंज हो चुका है। जैसे ही मैंने आपको पूरा डोर पे इंटीरियर दिखाया है एज इट इज़, वैसे ही इसका पूरा सीट कवर बना है। और सीट कवर में भी आप देख सकते हैं कि बहुत शानदार फिनिशिंग के साथ 0-0 फिटिंग जिसको कहते हैं, वो फिटिंग है। स्टीयरिंग आप देखोगे जो टॉप मॉडल वाला लग गया है, पूरा जो इसका अल्फा मॉडल में जैसा उसमें स्टीयरिंग आता है, सेम वो स्टीयरिंग आपको देखने को मिलने वाला है। सेंटर आर्मरेस्ट है जो यहाँ पे कंपनी का जेन्युइन आता है। रियर AC इसके अंदर ऑन हो चुका है। जी राम राम सही भाइयों को, क्या हाल है भाइयों आप सबके? उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों कृष्णा भैया हमारे पास आ गए, क्या है कृष्णा भैया? बढ़िया जी, बहुत। आज फ्रॉन्ग्स आ रखे हमारे पास, बेस मॉडल सिग्मा मॉडल। तो कृष्णा भैया इसमें क्या कुछ काम किया गया है? इसमें भी जितनी भी चीजें होती है वो सब चीज लगी है, एक दो चीज छोड़ के। एक अलॉय व्हील है, एक रियर वाइपर है, मतलब ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो इसमें नहीं लगा। और सबसे खास बात, भैया अम्बाला से आए हैं और अम्बाला से लगभग उनको सैकड़ों दुकानें मिली है रास्ते में, उसके बाद हजारों दुकानें मिली है इस मार्केट में, उसके बाद भी ऑर्डर नहीं पे आए हैं। और एक एक चीज जो उन्होंने देख के समझ के तब जो जेन्युइन आता है वही, मतलब हर चीज में जो बेस्ट हो सकता है वही कराया है। तो बहुत शानदार वीडियो होने वाली है, अगर आप फ्रॉन्क्स ले रहे हैं तो आपको पता चलने वाला क्या कुछ आप काम करा सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक वीडियो में आपने पहले नहीं देखा होगा, वो भी देखने आने वाला हूं आपको। और कुछ नया लेके आ रहे हैं, कुछ नया भी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो आप जरूर देखें। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को भी और भैया के चैनल को भी, ऑटो यूनिक ऑफिशियल को, ठीक है? बाकी ऐसी प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो करते हैं शुरू। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल होंगे। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। और आज फिर से आप देखेंगे HR42, अभी टेम्परेरी नंबर प्लेट है वैसे तो, पर फिर भी अम्बाला से गाड़ी चल के आई है हमारे पास दिल्ली में। और जितना भी एक बेस से लेकर टॉप मॉडल वाला काम होता है वो काम तो इसके अंदर हुआ ही है, प्लस एक एक्स्ट्रा जो कहते हैं कस्टमाइजेशन का काम, ऐसा मॉडिफिकेशन जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं, वो मोस्टली इस गाड़ी के अंदर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरी वीडियो में बने रहिएगा, जिससे एक एक चीज़ आप डिटेल में देख पाओ, समझ पाओ। और अगर आप भी अपनी गाड़ी कराना चाहो सेम ऐसे ही मॉडिफाई या इससे भी और ज़्यादा बेस्ट, तो आपके पास एक बहुत अच्छा चॉइस और ऑप्शन हो। तो चलते हैं और ज़्यादा देर ना करते हुए गाड़ी की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और साथ साथ ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊँगा कि इसके अलावा भी आप और क्या करा सकते हैं, जिससे एक आपको बजट हिसाब से, बजट आपका क्या हो सके या किस हिसाब से आप अपनी पूरी गाड़ी को मॉडिफाई करा पाओ, वो सब कुछ आपको पता रहेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको पता है इसके अंदर बेस मॉडल सिग्मा मॉडल जिसका नाम है, उसके अंदर आपको हेडलाइट जो है वो प्रोजेक्टर कंपनी दे देती है। और प्रोजेक्टर के साथ साथ ही इसके अंदर ऑप्शन होता है आपके पास LED का, जो इसके अंदर लगाया गया है आपका 150 वॉट। और एक बार मैं आपको इसका रिस्पॉन्स भी चेक करा देता हूँ कि किस तरीके से रिस्पॉन्स है। अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो पूरी LED का रिस्पॉन्स आपको बहुत शानदार, दूर तक अच्छा खासा रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलने वाला है, ये देखिएगा। और इससे भी शानदार चीज़ जो इस गाड़ी को चार चांद लगाता है वो है इसके DRL, जो सिंपल ये DRL जो है डेल्टा प्लस के ऊपर आपको देखने को मिलता है। जब आप चाबी लगाते हैं तभी ये DRL जो है आपका पूरा वर्किंग हो जाता है। और जैसे ही आपको आगे क्या प्रोसेसर आप करोगे या फिर आप इंडिकेटर दोगे तो उसमें भी आपका वर्किंग कैसे रहता है, क्या चीज़ें आपकी इसके अंदर जो काम करती है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप इंडिकेटर देते हो, की ऑन करना पड़ेगा उसके लिए पहले, जैसे ही आप इंडिकेटर देते हो तो कुछ इस तरीके से इंडिकेटर रहेगा। अभी आप देखेंगे वहाँ पर जो है वो पूरा वाइट रहेगा, अभी वहाँ पे इंडिकेटर नहीं है तो इंडिकेटर नहीं चल रहा। और अगेन मैं वहाँ इंडिकेटर अगर चला दूंगा, यहाँ पे नॉर्मल आपका वाइट रहेगा। इसके साथ साथ ही अगर मैं इस पूरी लाइट को बंद कर दूँ और सिर्फ पार्किंग ऑन करूँ तो भी ये बिल्कुल डिम, ऐसा मतलब सिर्फ दिन के लिए है पर बिल्कुल डिम जो है वो आपके इसमें लाइट जलती है। DRL का मतलब ये होता है डे नाइट लाइट, जिसका एक रिस्पॉन्स जो है वो बहुत शानदार है। और इससे भी खास बात है कि ओरिजिनल मारुति की आती है, ना तो कोई वायर कटिंग का आपको कहीं ऑप्शन मिलता है ना कुछ और। मैंने आज तक बहुत सारी वीडियो में बताया है, बरवली मुँह से बोला है, आप लोगों ने भी बिलीव किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, पर आज जो है वीडियो चल रही है आपके सामने, मैं आपको पूरा खोल के दिखाता हूँ कि कैसे सिर्फ मैं बोलता हूँ सिर्फ हूँ या सच में बिना वायर कटिंग लगा हुआ और कपलर टू कपलर सच में लगा हुआ है। आपको पूरा इसका कनेक्शन दिखाते हैं आज, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पता है फ्रॉन्क्स का काम करते हैं और फ्रॉन्क्स की वीडियोस भी बनाते हैं, पर जब एक बार आप जाके देखेंगे ना तब आपको रियल काम जो है उनका पता लग जाता है। इसके अंदर जो पहले से कपलर आता है वो कुछ ये कपलर आता है, इस तरीके से कपलर आता है। और अब जो ये DRL का कपलर लगाया है
अब देखेंगे वो ये कपलर है, ये वाला आप देखेंगे ये ब्राउन वाला कपलर है, ये DRL है जिसका कपलर है और ये ब्राउन वाला कपलर है। ये पूरा कपलर ऐसे ही हमने हटा दिया है, इसका कुछ भी काम नहीं है। और ये कम्प्लीटली अपना कपलर जो है यहाँ से वायरिंग लेके पूरी एज इट इज़ कपलर लगाया। और जब आप देखेंगे ना, जब मार्केट में जो लगाते हैं बहुत सारे लोग, इसकी जो वायर है हल्का सा पिल करके, हल्का सा छील के फिर दूसरे में कनेक्शन करके और तब काम करते हैं। बहुत बार जिसकी किस्मत अच्छी है, जिसका ऊपर भगवान का साया हो, आज वो कह सकते हैं कि उसकी कंपनी से वारंटी बच जाती है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें जब कंपनी के सामने जाती है, सर्विस सेंटर के सामने जाती है, तो आपकी वारंटी, आपका जो बुकलेट है उस पर लिख दिया जाता है आपकी वारंटी वॉइड है, सिर्फ ये चीज़ें देख के। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, जब आप देखेंगे ना इसके ऊपर की ये पूरी कंपनी की वायर है, ये वाली जो पूरी वायर हारनेस है ये पूरी इंजन के साथ अटैच हो रही है और पूरी गाड़ी के अंदर यहाँ से लेके इंजन के साथ ये पूरी वायर जा रही है। सेम ऐसा इस तरफ ही नहीं, सेम आप इस तरफ भी देखेंगे कि अपना ये वाला कपलर जो पहले लगा हुआ आता है वो हट गया है और ये अपना ब्राउन वाला कपलर है जो एज इट इज़ पूरी कपलर टू कपलर है। कहीं से कोई वायरिंग को ना छीला गया है, ना पिल किया गया है, ना काटा गया है, कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें आपको, मुझे भी पता और आपको भी पता है, कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं बताता, जो चीज़ आपको यहाँ बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। और आज तक मतलब इतनी सारी वीडियोज़ होती हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं, आप अभी भी देखोगे, अभी वैसे तो शाम हो गई है, 99% गाड़ियाँ जा चुकी हैं हमारे पास से, फिर भी एक गाड़ी ये खड़ी है, एक गाड़ी पीछे खड़ी है, इसके साथ साथ एक गाड़ी यहाँ पर भी खड़ी है, आप देखेंगे उस तरफ भी 4-5 गाड़ी भी खड़ी है। तो फिर भी 99% कह रहा हूँ गाड़ियाँ जा चुकी है। संडे का दिन था, 15-16 गाड़ियाँ लगभग नैच केस में से 5-6 गाड़ियाँ बची हुई है, मतलब इसमें भी सारा काम हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 99% गाड़ी। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ आपको फिटिंग भी इससे दिखाई है किस तरीके से, जो आपको देखने को मिलने वाला है। ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ काम कराना और एक वारंटी के साथ काम कराने में ना मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। अगेन एक बार और आप पार्किंग के साथ DRL का लुक चेक कर लो। DRL जितनी ही ज़्यादा लुक वाइज अच्छी है ना, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि वारंटी में रह के आपका काम हो। आप कहीं भी कराते होंगे, किसी ने पहले कराई भी, आप एक बार जाके अपनी गाड़ी चेक कर लेना, मेरे बात पे अगर बिलीव ना हो तो। इसके साथ साथ आप साइड में अगर आप आएंगे तो पूरा अपना व्हील कवर है, ये हमने चेंज कर दिया गया है। पहले कुछ इस तरीके से व्हील कवर आता था जो कंपनी से आता है, ये हटा के थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। पर ये जो कलर है अपना नेक्सा ब्लू कलर है, और 3417 आपको गाड़ी याद होगी जो 8 मई को आई थी अपनी ऑटो इनकी, हमारी खुद की फ्रॉन्ग सिग्मा मॉडल, सेम कलर है हमारा। तो इस कलर के ऊपर ये व्हील कवर जो है बहुत शानदार लगता है। अलॉय व्हील का अगर किसी का बजट नहीं है, नहीं लगाना चाहता, तो आप कुछ इस तरीके से बहुत शानदार व्हील कवर भी आप लगा सकते हो। और एक सेफ्टी का ध्यान में रख के आप देखोगे, यहाँ पे टाई बेल्ट भी लगा दिया गया है, अंदर से ब्लैक है, ब्लैक एंड सिल्वर कलर का है, बहुत छोटी चीज़ है पर लुक वाइज आपकी गाड़ी के लिए बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो आपको लाके देता है। प्लस आप साइड वेंट देखोगे जो यहाँ पे बल्फ आता है इंडिकेटर वाला, छोटा सा एज इट इज़ वो बल्फ हट चुका है और यहाँ पे अपना कम्प्लीटली जो वेंट है वो पूरा लग गया है, वो भी GFX ब्रांड के अंदर है। बीच में देखोगे पूरा पैनो ब्लैक है, बाकी में पूरा क्रोम है। तो ये एक बेस्ट फिटिंग के साथ है। यहाँ पे अपना साइड मिरर है, जेन्युइन कंपनी के आते हैं, मारुति ओरिजिनल। सेम अपना लॉक करेंगे, एज इट इज़ पूरा लॉक हो गया, अनलॉक करेंगे एज इट इज़ पूरा अनलॉक हो गया। ये फीचर आपको डेल्टा प्लस, डेल्टा आपका जेटा तक किसी में भी नहीं आता, सिर्फ अल्फा के अलावा। तो सेम ये फीचर भी डाला गया है, और जो इंडिकेटर यहाँ था वो इंडिकेटर आपका यहाँ हो गया है। तो एक कंप्लीट पूरा आपका ऑटो फोल्ड मिरर जिसको कहते हैं हम, की में कोई चेंजेस नहीं किया गया कि सेम ऐसे की है, एक एज आ रिले के जरिए, और वो भी कपलर टू कपलर। जब आप जाके देखेंगे, एक लगती है RD की रिले जो मार्केट में लगती है, और अपने पास जो कपलर टू कपलर रिले होती है प्रॉपरली, MGP रिले आप कहते हैं उसको, वो पूरी लगती है, वो भी आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है कोई ऑटो पार्ट, मतलब कई सारी कंपनियों की लगाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर ऑप्शन बहुत हैं, पर एक मारुति का नाम मारुति ही अलग ही है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, अगेन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो प्रॉपरली वर्किंग है। इसके साथ साथ डैम्पिंग हुई है, जो यहाँ वाला पार्ट अपना डैम्पिंग का आप देखोगे, और अगेन आप यहाँ देखोगे एक ठोस जिसको कहते हैं ना, वो पूरा डैम्पिंग के अंदर हो चुका है। रेन वाइजर है नेक्सा जेन्युइन, जो आपको मैं हर वीडियोज़ में हर बार दिखाता हूँ। प्राइसिंग की बात करूँ, 2190 रुपये MRP आती है, लेस करके 1095 रुपये का पड़ता है। हैंडल क्रोम है, 1490 रुपये MRP होती है, लेस करके 745 रुपये का पड़ता है। नीचे साइड बिटिंग है जेन्युइन कंपनी की, जो एज इट इज़ आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे डोर गार्ड है GFX कंपनी का, कोई भी दूसरी गाड़ी खड़ी है, कुछ भी है दूसरी गाड़ी में ना लगे, प्लस लुक वाइज भी एक अच्छा हो जाए, इसके लिए मेन बहुत अच्छा रहता है। अब एक तो डार्क कलर की गाड़ी है, और छोटा सा चीज़ आप देखना, गाड़ी के ऊपर कुछ छोटे मोटे क्रोम के चेंजेस करके, ऐड ऑन करके गाड़ी का जो लुक है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो गया है। आप कह सकते हो कि 8.5-9 लाख रुपए की गाड़ी को आप 14-15 लाख में इजीली कन्वर्ट कर चुके हो, सिर्फ इतना ये छोटा मोटा क्रोम का चेंजेस करके। और जिसमें रेन वाइजर है, विंडो गार्निश है जो कि SS में है, हैंडल क्रोम है, सिर्फ इतना ही। तो एक होता है कि पैसा लगाना गाड़ी के अंदर,
8-9 लाख रुपये की गाड़ी ला के आपने 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये लगा दिया। और एक होता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके भी आपकी गाड़ी में एक वैल्यू फॉर मनी मॉडिफिकेशन करना, जो आपको ऑटो यूनिक यहाँ प्रोवाइड करता है। तो क्या चॉइस कर सकते हैं वो आपके ऊपर ऑप्शन है। हर एक चीज़ अपने अपने लिए सही है, पर डिपेंड करता है बहुत छोटी चीज़ है। जैसे मैंने प्राइस भी बताया 1095-1745, नीचे का आपका 1250 रुपये का आता है। इन सब चीज़ों से ही आपकी गाड़ी में इतना अच्छा बन सकता है, तो ये चीज़ें क्यों ना लगवाएं आप। और दूसरा अच्छी बात है कि ओरिजिनल कंपनी की। आप चलते हैं पीछे की तरफ और पीछे दिखाते हैं क्या क्या है। इसके साथ आप पीछे की तरफ देखेंगे अपना ऑल टाइम फेवरेट, अपना पूरी रिफ्लेक्टर कनेक्टेड टेल लाइट। और टेल लाइट मेरे लिए इसलिए सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि पूरी गाड़ी में सबसे ज़्यादा जो चमकती है वो पीछे की पूरी टेल लाइट है। मैं अगेन वही वर्ड यूज़ करूँगा, 8.5 लाख की गाड़ी को सिर्फ ये टेल लाइट लगा के आप 15-16 लाख में बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखने में ना लुक ही बन जाएगा, क्योंकि इसके पीछे का जो लुक है वो एक मॉडल आता है अपना ऑडी का, उसके मैच करता है। पर ये जो टेल लाइट है ना वो ऑडी के मॉडल से भी ज़्यादा अपग्रेड कर देते हैं अगर आप ये टेल लाइट लगवाते हैं इसमें, क्योंकि आपकी टेल लाइट जो है वो सिर्फ यहाँ तक जलती है। और जब ये आप पूरा जो जेन्युइन मारुति का ही होता है और एज इट इज़ पूरा आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे खास चीज़ मैं बताऊँ, जो उसकी टेल लाइट उतरी हुई है ना वो भी इसी के अंदर रखी हुई है, ये टेल लाइट है जो उसमें उतरी हुई है, सेम एज इट इज़ सिर्फ चेंज हो जाता है, कपलर टू कपलर लगता है। इसके अंदर से आप देखेंगे एज इट इज़ ये कपलर निकलता है और जो इसके अंदर होता है कपलर वो लग जाता है। तो फिर इसमें वही चीज़ ना, वारंटी में कोई इशू, एज इट इज़ सारा काम कपलर टू कपलर और प्रॉपरली एक एक चीज़ 0-0 फिटिंग के साथ। इसके साथ साथ इसी के साथ एक बेस्ट चीज़ नीचे आप देखेंगे रिफ्लेक्टर है, और जैसा आपका सेम इसका कलर है, टेल लाइट का कलर है, उससे बिल्कुल मैच करता हुआ, मैच भी कर रहा है और प्लस एक मतलब एक पूरा ऐसे करके सीट पूरा बन गया प्रॉपरली। इसके साथ जैसे यहाँ पे इंडिकेटर चल रहा है वैसे यहाँ इंडिकेटर हो गया। अगर हम उस तरफ इंडिकेटर चालू करेंगे तो यही इंडिकेटर उस तरफ भी अपना काम करेगा या चलेगा, तो ये अपने आप में एक बेस्ट पार्ट है। इसके साथ साथ अगर आप बैक कैमरे की फिटमेंट देखें, 0-0 पूरा फिटमेंट है जो प्रॉपरली आप देखेंगे, कहीं से भी हल्का फुल्का भी उधर उधर नहीं है, चाहे जितना इधर फिटिंग है उतना ही इधर फिटिंग है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ बूट में अपना पार्सल ट्रे है जेन्युइन कंपनी का, यहाँ पे अपना बूट लाइट है जेन्युइन कंपनी का, और भैया का जितना भी सामान निकला है वो सारा सामान इसके अंदर रख दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आप हमें दे जाओ या कुछ भी ऐसी चीज़ें, आपका जो सामान है एक एक चीज़ आपको गिनती करके काउंट करके सारा रखा जाता है। आप चलते हैं अंदर और एक एक चीज़ अगेन अंदर भी देखते हैं कि कैसा है सारा और कैसा काम हुआ। तो अगेन अब अंदर की तरफ बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट अपना आता है डोर पैनल का। डोर पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अपना पूरा इंटीरियर इसके अंदर हुआ है, जिसमें अगर आप मेरी उंगली की तरफ देखें तो जितना भी आप इसको प्रेस करेंगे या इसको दबाएंगे एज इट इज़ पूरा सॉफ्ट टच जो है पूरा एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली 19mm की कुशनिंग होती है जिसका पूरा यूज़ इसमें होता है, और यहाँ का भी फिनिशिंग अगर आप देखेंगे बहुत शानदार, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाता है। प्लस अगेन आप ये देखेंगे पूरा अपना पियानो ब्लैक किट है इसके अंदर, जो मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स के अंदर ही आती है, वो सेम इसके अंदर चारों डोर पैनल की पूरी एग्जैक्ट चेंज हो जाती है। आप पुरानी लाके और नई जो है वो अपना एग्जैक्ट चेंज करा सकते हो, वो बहुत अच्छा पार्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पे हैंडल लीवर है जेन्युइन कंपनी का, वो चेंज हो चुका है, और जैसे मैंने बाहर से मिरर दिखाए थे वैसे ही आप अंदर से चेक कर सकते हो। पूरा स्विच भी देखोगे फिनिशिंग इसकी बहुत शानदार फिनिशिंग है और पूरी एज इट इज़ वर्किंग है। जैसे ही आप लॉक करोगे पूरा लॉक हो जाएगा, और जैसे ही आप अनलॉक करोगे वो प्रॉपरली आपका अनलॉक हो जाएगा, तो ये प्रॉपरली आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही अगर आप एम्बिएंट लाइट के पार्ट में अगर देखेंगे तो प्रॉपरली 0-0 फिटिंग के साथ अपना एम्बिएंट लाइट देखने को मिलेगा, कहीं से भी हल्का सा भी अनइवन नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, जैसा आपका स्टार्टिंग में है वैसे ही लास्ट में है, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम हो रखा है, ये अच्छी चीज़ है। 84 कलर के अंदर पूरी एम्बिएंट लाइट लगती है, जो आप अपने हिसाब से फ़ोन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे अपना ट्विटर कवर है जो जेन्युइन मारुति का आता है एज इट इज़, इसके अंदर ही ट्विटर आपके प्रॉपरली लगा हुआ है, तो इसका ये बेस्ट पार्ट है। इसके साथ साथ अपना अगेन स्टीयरिंग आप देखोगे जो टॉप मॉडल वाला लग गया है, और इसके नीचे भी पियानो ब्लैक, जैसे मैंने डोर पे दिखाया है वैसे पियानो ब्लैक यहाँ पर भी हो चुका है, जिसमें स्टीयरिंग का लेदर ऐप भी हो गया है और प्रॉपरली पूरा वर्किंग है। चलते हैं अंदर, वो दिखाते हैं कैसे। और अंदर की तरफ फाइनली अब आ चुके हैं, और जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रॉपर आप स्टीयरिंग देखेंगे पूरा, जो इसका अल्फा मॉडल में जैसा आपने शोरूम में भी खड़ा हुआ देखा होगा टॉप मॉडल, जैसा उसमें स्टीयरिंग आता है सेम वो स्टीयरिंग आपको देखने को मिलने वाला है। और सबसे खास बात, सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या है कि आप देखेंगे जैसे यहाँ की लाइटें हैं ना, अभी कोई लाइट नहीं चल रही, पर जैसे ही मैं पार्किंग ऑन करूँगा पूरी लाइटें चल गई, और सिर्फ यहाँ की नहीं चली यहाँ की भी लाइटें आपकी चल गई है मीटर के साथ साथ, तो ये बहुत अच्छा पार्ट है। मतलब एक फिटमेंट में इतना अच्छा काम किया गया है कि हर एक चीज़ आपको बिल्कुल एज टू एज फिटिंग टू फिटिंग है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलने वाला। इसके साथ साथ ही अगर बात करूँ तो इसमें पूरा कंट्रोल वर्किंग रहेगा, जैसे ही मैं आगे करूँगा पूरा प्लस हो रहा है, और जैसे ही मैं लेस करूँगा आपका ये पूरा माइनस हो रहा है, म्यूट पे पूरा म्यूट हो रहा है, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है।
वो आप एक एक चीज़ आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ अगेन आप चेक कर सकते हो, जैसे ही मैंने आपको पूरा डोर पे इंटीरियर दिखाया है एज इट इज़, वैसे ही इसका पूरा सीट कवर बना है, और सीट कवर में भी आप देख सकते हैं कि बहुत शानदार फिनिशिंग के साथ 0-0 फिटिंग जिसको कहते हैं वो फिटिंग है, और बहुत शानदार सीट कवर है। और एक खास बात आप देखेंगे, जैसे मैंने डोर पे आपको तीन थ्रेड दिखाए थे, सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे तीन थ्रेड है, फिर नीचे है, फिर इधर है, मतलब एक कॉम्बिनेशन के साथ पूरा गाड़ी का मैच किया गया है जिसमें आपको पूरा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। और अगेन फिर सीट कवर के अंदर जो अपना फैब्रिक होता है प्रीमियम सोफा लेमिनेशन वाला, जो एक प्रॉपर फिटिंग के साथ एक सिमेट्री जो बनती है उस सिमेट्री के साथ आपको देखने को मिलने वाला है, तो वो एक बेस्ट चीज़ है। एक बार फिर आप को ड्राइवर साइड भी देख सकते हो, जिसकी फिटिंग आपको बहुत शानदार देखने को मिलने वाली है, कहीं से भी ना हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं है। अपना आइस ग्रे कलर का सीट कवर है, दोनों साइड से ब्लैक पाइपिंग है, और हर एक कोने पे डबल थ्रेड का यूज़ किया गया है, तो ये अच्छी चीज़ है, जैसा आपको मैं सीट कवर में दिखाता हूँ। और यही कलर जो है अपना XUV 700 क्रेटा में, मोस्टली गाड़ी में जो है यही सीट कवर यूज़ होता है। इसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो जैसा ही सीट कवर है वैसा आपको ऑलरेडी कंपनी यहाँ से पिलर भी देती है, रूफ भी देती है, तो अल्टीमेट बिना कुछ ही है, कहते हैं ना हो जाना, वो चीज़ के अंदर हुआ हुआ है। पिलर भी मैच हो गए हैं, रूफ भी मैच हो गया, तो इसका एक बहुत अच्छा पार्ट, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ अपना सेंटर आर्मरेस्ट है जो यहाँ पे कंपनी का जेन्युइन आता है, रियर एसी इसके अंदर ऑन हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पे गियर नॉब हो चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे ओरिजिनल USB पोर्ट आपका हो चुका है जो जेन्युइन कंपनी का आता है। नीचे की तरफ देखेंगे अपना एम्बियन लाइट है जो कि डोर के साथ साथ नीचे भी जल रही है, और प्लस डैशबोर्ड में भी जल रही है, अच्छे से आप देख पाएंगे। और आप, मैंने बताया आपको 84 कलर में इसको आप चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहें वैसा। नीचे आप देखेंगे अपनी वेलकम लाइट है जो स्कफ प्लेट के नाम से डबल कलर में है, अपना स्कफ प्लेट के नाम से जानी जाती है। इसके साथ यहाँ पे अपना म्यूजिक सिस्टम है जिसको भी आप देख पाओगे, एप्पल कारप्ले ऑटो एंड्रॉइड के साथ है। स्मूथनेस भी आप इसका देखोगे, और परफॉर्मेंस वगैरह हर एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छा है। मदरबोर्ड के साथ आपका प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, हर एक चीज़ आपको इसमें सपोर्टेड भी मिलता है और इनबिल्ट भी मिलता है। प्लस डिज्नी हॉट आपका जेड लिंक से एप्पल कारप्ले ऑटो एंड्रॉइड आपको वायरलेस मिल जाता है। आप अपनी गाड़ी में बैठते ही हैं, सिर्फ आपका आपका एक ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, आपका फ़ोन जो है पूरा फ़ोन इसके अंदर कनेक्ट हो जाता है। स्पेशली मैं खुद अपनी गाड़ी में फंक्शन के अंदर यही एंड्रॉइड यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को तो अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका, यही रीज़न है सबसे ज़्यादा रिकमेंड करने का मेरा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको दिखा यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे सिस्टम के साथ साथ भी पूरा जो आपका फ्रेम है इसका भी पूरा पियानो ब्लैक के साथ, और कहीं भी हल्का सा भी बबल नहीं मिलता, बबल फ्री है पूरा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ जैसे इसका पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड आता है वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे AC वेंट कर दिए गए हैं जो पूरा टॉप मॉडल का निशानी है, टॉप मॉडल वाले पूरे हो गए, तो इसका एक बहुत अच्छा पार्ट है। यहाँ की तरफ ऊपर रूफ लाइट है, वैनिटी मिरर का ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, IRVM का यहाँ पे वैनिटी मिरर का, ये भी आप करा सकते हैं। इसके साथ साथ एक बार पीछे की सीट की फिटिंग देख लेते हैं कैसी है। तो फाइनली अब बात करें पीछे की तरफ सीट कवर, जैसे मैंने आपको आगे दिखाया था सेम ऐसे पीछे देखोगे आप, तीन थ्रेड सबसे पहले सीट बेल्ट से नीचे छुप रहा है, फिर आप देखोगे यहाँ पे तीन थ्रेड सबसे पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पे है। प्रॉपरली आपको हर जगह से कुशनिंग जो है, फिटिंग जो है, एक एक चीज़ आपको परफेक्ट मिल रहा है। सेम नीचे अपने मैट है, इसलिए मैंने अभी आगे मैट नहीं डलवाए थे कि आपको पहले फ्लोरिंग की फिटिंग देखनी थी, दिखानी थी। अब आप मैट की फिटिंग देखोगे, 0-0 जो फिटिंग है हर जगह से आपको प्रॉपर फिटिंग देखने को मिलने वाला है, कहीं से भी हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं है, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे अपना रियर AC वेंट ऑन हो गया है जो प्रॉपर ब्लोवर के साथ है, और कई लोग समझते हैं कि ये सिर्फ ब्लोवर ऑन होता है, तो ब्लोवर भी होता है, AC भी होता है, दोनों चीज़ होता है। और जैसे मैंने आगे के आपको डोर दिखाए थे वैसे आप देखेंगे प्रॉपर पीछे के पूरे डोर हैं, तो इसका एक बहुत बढ़िया जो पार्ट है वो यहाँ देखने को आपको मिलने वाला है। हैंडल लेवर पूरा चेंज हो चुका है एज इट इज़, सामने भी आप डोर देखोगे पूरा प्रॉपर हो चुका है। अब चलते हैं भैया से जानते हैं कि उनको सारा काम किस तरीके से लगा। तो फाइनली सारा काम हो गया अपनी फ्रॉन्क सिग्मा मॉडल का जो कि अम्बाला से भी आए थे, भैया से जानते हैं कहाँ से आए थे और कैसा लगा। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भैया शांतनु है। कहाँ से आए आप? मैं अम्बाला से आया हूँ। ओके, पता कैसे लगा हमारे बारे में आपको? पता तो भैया आजकल तो आप सेलिब्रिटी है, यूट्यूब पे आपकी वीडियोस मतलब ऐसे फ्लोट करती हैं डेली, तो मैं फ्रॉन्क्स जब लेने की सोचा तो मैं फ्रॉन्क्स के बारे में सर्च करता था, तो स्क्रॉल करते हुए फ्रॉन्क्स की वीडियोस बाद में आई, पहले ये ऑटो यूनिट की वीडियोस आनी शुरू हो गई जी। तो मैंने वहीं से देखना शुरू किया, फिर देखा कि लोगों के रिव्यूज़ भी अच्छे थे, फीडबैक अच्छे थे आपके बारे में जी। फिर और सर्च किया, फिर उस वहाँ से भैया का नंबर निकाला, इनसे बात किया। इवन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने सिग्मा मॉडल जो लिया है
वो भी भैया से बात करके लिया है कि मेरे को सजेस्ट करो क्या कि डेल्टा प्लस लूँ या सिग्मा लूँ। तो भैया ने बोला भैया आपको काम कितना चाहिए, मेरे को इतना काम चाहिए, मैंने बताया। तो उन्होंने बोला फिर आप भैया बेस मॉडल लीजिए और मैं आपको वो अल्फा बना के दूंगा। और मुझे लगता है कि शायद जितनी कॉस्ट में आपका अल्फा बन गया उतने में बस एक अलॉय व्हील और रियर वाइपर छोड़ के आप डेल्टा प्लस भी नहीं आ पाता। हाँ सही बात है, 100% भैया। तो जितने लोग भी पहले ये कन्फ्यूज हैं कि आप डेल्टा लो, डेल्टा प्लस लो, सिग्मा लो, तो आपको अगर मैनुअल लेना है तो आप मतलब खुले में कहूँगा कि सिग्मा लो। ऐसा नहीं कि आप काम कराओ इसलिए सिर्फ कि आपको चीज़ें बेस्ट और मतलब वैल्यू फॉर मनी चीज़ें आपको मिल सके। डेल्टा प्लस में अपना आगे का जो अपना रूफ रेल है वो भी नहीं आता, पर अगर आप यहाँ देखेंगे इसका टॉप मॉडल वाला ये रूफ रेल है, ये अभी रिक्वायरमेंट थी भैया की पर किसी रीज़न से नहीं लग पाया है, वो भी भैया अभी आने वाले हैं थोड़े दिन में दोबारा लगने के लिए। बाकी कंप्लीट सारी चीज़ें आप करा सकते हैं एज अ टॉप मॉडल वाला। तो स्पेशली मारुति में ना आपको ये सबसे अच्छा ऑप्शन मिलता है और मैंने आपको दिखाई दिया है पूरा कपलर टू कपलर किसको कहते हैं। तो अब भैया सारा काम हो गया है, सारी चीज़ हो गई, अब कैसे फीलिंग आ रही है और कैसा लग रहा है? नहीं काम तो खैर नो डाउट भैया काम भैया का अच्छा है और सबसे अच्छी चीज़ तो जो सीट कवर है ना वो इतने आई कैची है। मतलब अभी आज ही क्या हुआ कि किसी और ने एक दूसरे कलर के सीट कवर ऑर्डर किए हुए थे जी, मेरे सीट कवर देख के उन्होंने अपने वो बने हुए उतरवा दिए कि मेरे को ये आइस ग्रे, क्या नाम है इसका, आइस ग्रे कलर का चाहिए, राइट। तो उन्होंने बोल के फिर वो, बट थोड़ा सा हाँ गंदा होता है ये कलर, बट फिर भी क्लीनर आता है उसके लिए, हर एक कपड़ा जैसे साफ होता है ऐसे क्लीनर आता है, वो साफ हो जाता है। तो यही मैंने लगाया, बाकी काम सारा अच्छा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, भैया ने खुद ही सारा कुछ बता दिया है कि सीट कवर कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, कितने ज़्यादा स्मूथ है, आप बैठने के बाद ना रियल फील जो है आप उसमें देख सकते हो। बाकी भैया सारे काम से सेटिस्फाई हैं? हाँ काम से सेटिस्फाई हूँ भैया, लेकिन बस सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत भैया मेरे लिए डिस्काउंट भी करेंगे। भैया जरूर जितना हो सकता है हम खुद ही अपनी तरफ से आपको करके देते हैं और बहुत जल्दी, अभी जो आज डेट है वो 22 तारीख है जिस दिन वीडियो शूट हो रही है, हो सकता है नेक्स्ट वीक तक वीडियो डाले क्योंकि ऑलरेडी लाइन में बहुत सारी वीडियोज़ होती है। हो सकता है हम आपको 1 तारीख से बहुत अच्छा ऑफर दे देंगे, बहुत अच्छा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को या फिर अभी तक नहीं मैं फॉलो कर रहे तो ज़रूर करो, और इतना अच्छा ऑफर देंगे ना आप 1 तारीख से कि आपको दिवाली में मज़ा आने वाला है। तो जो लोग आएंगे ना आप लेके लिए बेस्ट से बेस्ट रहेगा, तो ये चीज़ है। बाकी जो लोग भी आपकी वीडियो देख के आना चाहेंगे आप रिकमेंड करेंगे एज आ आपके एक्सपीरियंस के लेके? नहीं नहीं बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा पक्का। अगर आपको लगता है मतलब जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, बहुत ज़्यादा आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ रेट पता करूँ क्वालिटी पता करूँ जेन्युइन है कि नहीं है ये पता करूँ, तो अच्छा जेन्युइन मिला है आपको सारा कुछ? मैंने चेक किया सब चीज़ें अभी तक जितनी मेरी नॉलेज है उसके अनुसार मेरे को सब कुछ जेन्युइन मिला है। लोग अभी देख रहा हूँ ना कि बोल रहे हैं कि 100 में से 90% डिस्काउंट ले जाओ, मैं कह रहा हूँ भाई पैसे क्यों ले रहे हो फिर, मतलब भैया वैसे देखो नहीं किसी के लिए कुछ बोलना चाहिए पर फिर भी भैया 100 में से 90% कोई चीज़ की अगर डिस्काउंट है भैया तो वो तो पक्का है कि डब्बे में दूसरा सामान डाल के बेच रहे हैं। पर हम कस्टमर आता है ना पहले हम चीज़ों को चेक कराते हैं उसके बाद ही किसी गाड़ी में लगाते हैं, जैसे इसके अंदर हुआ है अपना। ऐसा नहीं है कि गाड़ी आई खोलना शुरू किया भैया पहले ये फिर ये फिर ये, एक गाड़ी में 4 लोग लग गए और एक एक चीज़ फाइनल कर रहे हैं, पहले सारा कुछ फाइनलाइज होता है अंदर बैठ के। आप चाहे कैबिन में या देख लो, अभी तो सिर्फ ये देख रहे हो, इस महीने से आप कुछ और भी देखने वाले हो तो आपको अभी इतनी जल्दी नहीं बताएंगे, अलग से ही पूरा एक ऑफिस वेटिंग रूम कैबिन आपको इसके ऊपर मिलने वाला है। तो अभी वहाँ की कोई वीडियो नहीं आई है, बहुत जल्दी आने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट मिलता है जिसलिए आपको बेनिफिट होता है। बाकी भैया रियली में खुश हैं आप? हाँ जी पक्का, नो डाउट, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आप लोगों को भी दिल से धन्यवाद कि पूरी वीडियो देखते हैं और आते हैं उसके बाद बिलीव करके इतना कुछ आप कराते हैं और उसके बाद फिर सेटिस्फेक्शन आपकी रहती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी वीडियोज़ के लिए एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। तो जी ये तो भाइयों एक फ्रॉन्क्स में इस तरीके से आप काम करा सकते हैं, 1,40,000 रुपये के आसपास गाड़ी में खर्चा आया और बेस्ट पार्ट ये है कि इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स चेंज नहीं हुए हैं, व्हील कैप लगा दिया कस्टमर ने, ठीक है। व्हील कैप से क्या होता है अलॉय व्हील्स का लुक देते हैं, ठीक है। तो कैसे लगा कमेंट करके बताना कि अगर आपको भी इस तरीके से काम कराना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, कॉल करके आना भैया को, ठीक है। बाकी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है तुषार बब्बर ब्लॉग्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी जाकर सब्सक्राइब करो। फिर ऐसी प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।